ये हनी भाई खुश तो बहुत होंगे तुम लद्दाख में गाड़ी चला के और ऊपर से खरदुंगला जाते हुए। नहीं हमें दिखाई नहीं दिया सॉरी। हाँ परमिट है मेरे पास। ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और वो नीचे जाता ही जा रहा है वो जा रहा। अरे बाप रे क्या हो गया रहने दे। और ऊपर इतने अच्छे कॉटन क्लाउड्स हो रहे हैं इतने बढ़िया 3D जैसे फ्लाइट में ट्रेवल करते वक्त नजर आते हैं। मेरी जान नहीं लूंगा प्लॉट में। अभी जैसे कि नेक्सॉन से मैं ऊपर से उस तरफ देख सकता हूँ। यार यहाँ के नज़ारे देख के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आज का हमारा जो दिन होने वाला है वो है तुरतुक का। आज मैंने अपने जो बूट्स के अंदर ये ट्रैक पैंट इस तरीके से डाल दी है क्योंकि अगर मैं बाहर रखता हूँ तो ये ऊपर आ जाती है तो उसकी वजह से गार्ड भी ऊपर आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें ट्रैक करने के बाद अगर मैं इस पर बाइक पर बैठता हूँ तो ये इसे पकड़ के रखेगा। लेट्स ट्राई एक्सपीरियंस करते हैं कैसा रहता है। एक बार मैं आपको यहाँ की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ जो कि मैंने अब तक नहीं दिखाई है। दो दिन हमें यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं रहते हुए। सामने खड़ी है मेरी बाइक और ये है हमारा होटल। होटल कह लो या कुछ भी कह लो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम रह रहे हैं यहाँ पे सिंधु में और ये है हमारा रूम। बहुत ही बड़ा बहुत ही स्पेशियस। इधर है डाइनिंग एरिया। ये है एक सिटिंग एरिया जो कि कॉमन है क्योंकि हमारा एक रूम और है। ये है पेंगोंग और ये है सोमुरेरी। तो हम रुके हुए थे सिंधु में और पेंगोंग में क्योंकि यहाँ पे रूम का जो नाम है वैसे ही दिया हुआ है। और ये है दूसरा रूम। तैयारी पूरी हो चुकी है सिर्फ सामान पैक करना है। डेटा कॉपी हो रहा है मेरा। और ये रूम के बाहर का पूरा एरिया। यहाँ मेरी बाइक एकदम सेफ पार्क है। चाहो तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ भी सकते हो। बहुत अच्छी जगह बहुत मज़ा आता है बैठने के लिए। और ये है रूम से हमारे सड़क। बहुत ही बड़ा एरिया है सामने बर्फ़ के पहाड़ है। और ये इधर का एरिया गाड़ी आगे पार्क है बाइक मेरी यहीं पर पार्क है। और इतना बड़ा एरिया ये कि यहाँ से बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट करके यहाँ से फाइनली हम लोग निकल जाएंगे। क्लाउड्स कितने अच्छे हो रहे हैं सामने। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट करने का एरिया एकदम गार्डन गार्डन। ये है सिंधु मैस। सामने गेट देखो क्या प्यारा गेट है। अंदर आने के बाद एकदम फ्लावर्स। मैं तो रास्ता ही भूल गया था। कहाँ से आना था? हाँ मैं वही कह रहा रास्ता भूल गया था। और यहाँ बैठे हमारे भाई लोग। आज क्या इडली सांभर है ना? नहीं नहीं मैं तो मेरा तो फेवरेट है। देख लो रास्ते में किसी को नहीं मिलूंगा पहली बार। बढ़िया बढ़िया सोना भी नहीं था ना ये भी बता दूंगा आज बाहर में। कौन कह रहा है खाने के बाद सोना नहीं है? ये तो है हमारे शांतनु भाई प्योर वेज है प्योर वेज। और बोल रहे मैं ऑमलेट थोड़ी खा रहे हैं तो खा ली एक आधी बार तो खा ली थोड़ी सी तो मैंने भी खाई थी। एक जगह हिमांशु भाई को पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने मुझे चखाई थी कि शायद ऋषि खा ले इसको अच्छी लगे तो मैं बच जाऊं। चलो स्टार्ट करते हैं लेट हो गए। ऑल सेट टू मेक अ व्लॉग अ वेरी गुड व्लॉग। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मैं रेडी हूँ मेरे फ्रेंड्स रेडी है सामने गाड़ी में। अब बस बाइक को स्टार्ट करके निकलना बाकी है। मेरी वजह से मेरे फ्रेंड्स थोड़े से लेट हो गए। मेरी वजह से क्या बोलूँ मतलब मैंने परमिट के लिए अप्लाई किया फिर हमने ब्रेकफास्ट यहीं कर लिया जो हमारा करने का प्लान नहीं था। तो मेरा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है वो परमिट लेने में लग गया। अगर मेरी जगह कोई और लेता तो उसे लग जाता। अब बस बाइक को रिफ्यूल कराना उसके बाद हम खरदुंगला क्रॉस करते हुए जाएंगे तुरतुक।
इधर की मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो इसीलिए सामने वाले कैमरे से सिर्फ खुद को कैप्चर कर रहा हूँ। आज मैंने खुद को अच्छे से कवर किया हुआ है, ये सब कुछ बांध बूंद, क्योंकि बहुत हार्श सनलाइट है यहाँ पे। वो गाड़ी के साथ में हूँ आप? नहीं नहीं, आप 12 तारीख को आएंगे, गाड़ी के साथ हूँ मैं, आउट करवा लीजिए अगर आपको करवाना है तो। अब मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इन खूबसूरत वादियों को दिखा सकता हूँ। आ जाओ मेरे शेरों, आ जाओ आ जाओ। बढ़िया मज़ा दिलाया तुमने यार, ऑफ द कैमरा तो मैं बता ही नहीं सकता कितना मज़ा आया मुझे। आप लोग मेरे इन फ्रेंड्स को पहली बार वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन ये मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है और मेरा रोज का इनसे मिलना जुलना है। अभी कुछ दिन पहले मैं इनके साथ ट्रैवल भी कर चुका हूँ, बट मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, वो मेरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला चिल मारने वाला ट्रिप था। अब जो हमारे हनी भाई है वो ट्रैवल के काफ़ी शौकीन है, और स्पेशली इस तरीके के जैसे लद्दाख वगैरह कभी आए नहीं थे। अब मेरा लद्दाख जाने का प्लान था सोलो या किसी के साथ, तो मैंने हनी भाई को बताया कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, तो हनी भाई ने इतना इंटरेस्ट शो किया इतना बढ़िया वाला, और तब से इतने एक्साइटेड हो गए, सारे इंतज़ाम करने शुरू कर दिए अपने लद्दाख के। और आज हम लेह से खरदुंगला जा रहे हैं, मतलब कि लद्दाख की सड़कों पे घूम रहे हैं। लद्दाख आना बहुत मज़ेदार तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, तो अगर किसी को लद्दाख आना है तो ये सोच समझ के आना कि थोड़ा झेलना भी पड़ेगा। यहाँ पर तो पेट्रोल है नहीं, आगे बता रहे हैं मिल जाएगा, पेट्रोल पम्प तो काफ़ी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं मिलेगा ही, फुल कर दो। अभी दिल्ली की गाड़ी आई थी क्या? टाटा टाटा नेक्सन नहीं आई। हम लोग थोड़ा अलग अलग हो गए थे, पर मैं एक पॉइंट पे आके रुका, मुझे पता था यहाँ से पूरी सड़क दिखती है, तो वो आ रहे, मुझे पता नहीं था कि आगे या पीछे। हम लोग पेट्रोल डलाने के चक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो गए, ये कहीं और चले गए होंगे, मैं कहीं और चला गया। कहाँ रह गए थे पेट्रोल? कहाँ से? इसी से डलवाया ना, मैंने भी इसी से डलवाया, चलो सेम जगह से डलवाया, थोड़ा शायद गलत चले गए थे। हमारे शांतनु भाई हूँ कर रहे हैं, सारा मज़ा ले रहे हैं लद्दाख में। ये हनी भाई खुश तो बहुत होंगे तुम लद्दाख में गाड़ी चला के और ऊपर से खरदुंगला जाते हुए, वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हेलो हेलो, आ रही है ना? चलो ये कनेक्टेड है, मेरा ऑन है, तुम्हें बंद करना हो तो कर देना, जब ऑन करना हो कर देना, बात कर लेना, ठीक है? कोशिश करना साथ में ही रहना, ठीक है? ठीक है, ओके नेताजी। कौन सा वाला? नहीं हमें दिखाई नहीं दिया, सॉरी। हाँ परमिट है मेरे पास, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई चेक पोस्ट आया था? नहीं दिखा ना, आ जाओ। अगर लेह से नुब्रा वैली की तरफ जा रहा है कोई और खारदुंगला की तरफ जा रहा है, तो ये एक यहाँ पे चेक पोस्ट है, इसे मिस मत करना। अभी हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। मैंने यहाँ पे पढ़ा हेल्थ डिपार्टमेंट लिखा हुआ था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी किसी हेल्थ चेकअप की, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा था, मैं आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले वेलकम्स यू टू नुब्रा वैली, प्लीज स्टॉप फॉर एनवायरमेंटल फी। तो ये बोर्ड ध्यान रख लो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अच्छी रोड्स का हमने बहुत स्वाद चख लिया, अब यही रोड पर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रोड की वाइडनिंग की गई है, तो आगे तक सारा मोस्टली ऐसे ही मिलने वाला है। जितनी भी बार मैं आया हूँ ये रोड बहुत पतला हुआ करता था, काफ़ी चौड़ा कर दिया है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी हो जाएगा, सारा लद्दाख का अपना एडवेंचर ख़त्म होने वाला है। पर ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है, और इस ट्रैफिक को डाइजेस्ट करने लायक रोड भी होनी चाहिए। काफ़ी बाइकर्स जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ, ये तो थोड़े से ही मैंने काफ़ी सारे देखे। महाराष्ट्र से आए हैं भाई लोग, और सबकी अलग अलग बाइक्स हैं, गुड यार। साफ सुथरी है, मेरी तो बहुत ही गंदी हो गई है। मैं तो 15 घंटे बारिश में बाइक चलाई है, गंदी तो होनी ही है। यहाँ पे आने के बाद एक बहुत अच्छा व्यू आता है, ये फर्स्ट व्यू है यहाँ का हिमालय का, अभी और ऊपर रोड से भी आएगा, लेकिन यहाँ से फर्स्ट व्यू है, एकदम बर्फ के पहाड़, बहुत बढ़िया व्यू, और सारे एक लेवल के ऑलमोस्ट। यहाँ से आता है सेकेंड व्यू, बहुत ही अच्छा वाला, यहाँ से विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और माउंटेन्स भी थोड़े क्लियर ज्यादा नजर आ रहे हैं माउंटेन्स। हनी भाई कहाँ गए हमारे? अरे खींच ला है, पीछे आ गए। क्या बात है, पहले मैंने सबको ओवरटेक किया और फिर हनी ने सबको ओवरटेक किया, अब वो मेरे पीछे आ गया, मुझे भी ओवरटेक ना कर ले कहीं। पता नहीं इस तरफ क्यों आ गया था ये, मैंने कहा आराम से कोई जल्दी नहीं है। ये एक और व्यू जिसमें हिमालयन रेंज और भी बड़ी नज़र आ रही है, पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक, अच्छा पॉइंट है ये, यहाँ पे रुके भी हुए हैं।
हनी कह रहा है कि मुझे फोटो खिंचानी है, खिंचाओ। थैंक यू। इनका तो वैसे भी बनता है यहाँ पे रुक के फोटो खिंचाने का, क्योंकि स्पॉट ही ऐसा है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कई बार, इसलिए मैं सीधे जा रहा था। पोज है नेताजी का। भाई यार देखो कितनी जबरदस्त आ रही है। ऋषि भाई लाओ तुम्हारी वीडियो बना दूं नेताजी। क्या और वो नीचे जाता ही जा रहा है, वो जा रहा है बहुत दूर पहुंच चुका है, लेकिन अभी वो जा रहा। अरे बाप रे, यहाँ बैठे हुए थे साथ में हेलमेट लेके चले गए और गिर गया। क्या हो गया बेवकूफ है, अबे रुक जा, अबे रहने दे। दो दो हैं क्या हेलमेट? अभी क्या लेने गए हो? वही वाला? अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, वो थोड़ी ना ला पाओगे। ये यहाँ से दिख ऐसा रहा है, इतनी थोड़ी देर का रास्ता थोड़ी है। वैसे जान की कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी कोई रिस्क क्यों ना, 400-500 रुपए का मिल जाएगा यार। वो सुन ही नहीं रहा बंदा, यहाँ थोड़ी है हेलमेट, तो वहाँ है नदी के पास। नदी के पास? हाँ, अरे वो नीचे वाले पत्थरों तक जाते हुए देखा मैंने, फ्लैट सरफेस पे जा चुका है वो। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, पर ये चीजें गलत है। हाँ इन भाई के ऊपर ना मार सकता है भाई, पीछे प्लीज भाई छुप रहे पीछे। ये अपने दोस्त को नहीं रोक पाए, और इनके दोस्त एक हेलमेट लेने के लिए बहुत ही चले गए जोखिम में डाल के गए हैं। नेताजी आप कुछ कर सकते हैं इसमें? भाई मैं क्या बोलते हैं, व्यवस्था नहीं कर सकता, हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता। भाई ये तार ले लो, तुम भाई को खींच ले, इतनी बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा चलते हैं फिर रुकना पड़ता है, फिर थोड़ा सा चलते हैं फिर रुकना पड़ता है। अभी फिलहाल साउथ पुल्लू पे चेक पोस्ट पे रुके हैं अपने नंबर्स नोट कराने के लिए, कभी अपनी मर्जी से रुक जाते हैं। बहुत झुकी हुई थी बाइक वैसे अहमद से, कि खरदुंगला का जो पहले रास्ता होता था उससे काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया है। ऑफ रोड है लेकिन प्लेन है, पहले तो सड़क में चट्टाने खड़ी हुई थी, पत्थरों पे ऐसे 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 करके जाना पड़ता था, अब तो फ्लैट कर दिया है। लूज ग्रेवल है लेकिन बाउंसी नहीं है, अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं अगर थोड़ी सी बाइक ठीक से चलानी आती है तो। फिलहाल तो अच्छी रोड है पर ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। और खरदुंगला ऐसी जगह है कि अगर कोई ले आया है और नुब्रा वैली या फिर तुरतुक नहीं जाना, तो सिर्फ खरदुंगला थोड़ी देर में होकर वापस आ सकता है, और ये उसके लिए थोड़ा अच्छा भी रहेगा क्योंकि थोड़ा यूज्ड हो जाएगा वो हाई ऑल्टीट्यूड से अगर कहीं और जाएगा तो, जैसे पेंगोंग। और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए थोड़ी सी उसकी फिटनेस टेस्टिंग भी हो जाएगी, फिर वो पेंगोंग वगैरह यहाँ सब जा सकता है, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा यूज्ड होना ज़रूरी है, थोड़ा सा ऊपर वापस नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर फिर वापस नीचे। बाय रोड तो जो भी लोग क्रॉस करके आते हैं उनका तो हो जाता है एडजस्ट, बिकॉज क्योंकि वो सरचू वगैरह टांग लंगला सब कुछ करके आ चुके होते हैं, तो ऊपर नीचे कर करके उनका ठीक है। वो अगर एक डेढ़ दिन भी रेस्ट करेंगे ले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चट्टाने कैसी फंसी पड़ी हैं आपस में एक दूसरे में, कभी भी सड़क पे आके गिर सकती है, और ये वाला पॉइंट आ जाए तो समझ जाओ खरदुंगला दूर नहीं है। यहाँ पे एक गाड़ी का टोटल डैमेज हो रखा है उसका, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, उसको एज एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया हुआ है। इतनी बर्फ आ गई यार यहाँ पे, कितनी बर्फ, पूरा इधर वाला पार्ट तो पूरा एक ही बर्फ में इतना बड़ा सेट हो रखा है। बहुत ही भीड़ हो रही है खरदुंगला पे, काफ़ी रश हो रहा है खरदुंगला पे, सामने बर्फ में लोग खेल भी रहे हैं, बताओ अच्छी खासी बर्फ़ है वैसे, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। और मैंने इनको बोला फटाफट से जाके फ़ोटो खिंचा लो, यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, घुसना पड़ेगा, तो यहाँ पे खड़े हुए वेट कर रहे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा निकल जाएंगे। मैं सड़क के पार खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है खरदुंगला की, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से इधर से ही खड़े होकर ऐसे खींच लूँ कि सामने जो लिखा हुआ है खरदुंगला वो आ जाए। लेट्स सी, वहाँ तो नहीं जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा तो बाइक से जाऊँगा, और वो मुझे अभी पॉसिबल लग नहीं रहा। खरदुंगला पे बहुत लोग बर्फ़ में फ़ोटो खिंचा रहे थे, अगर कोई ऐसा हो जैसे मन हो तो थोड़ा सा आगे जाना है, पे कितनी कितनी भयंकर बर्फ़ है। 5 मिनट का फटाफट से एक हमने ब्रेक लिया यहाँ पे, हम फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे। खरदुंगला में रुकना मेरी प्रेफरेंस नहीं होती, खरदुंगला से आगे निकल के थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत प्यारा, यहाँ पे थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, तो वही मैंने किया है। अब मैं चल रहा हूँ आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी तक तो रोड की कंडीशन यार अच्छी है, काफ़ी अच्छी, आगे पता नहीं कैसी होगी,
लेकिन अभी तक रोड की कंडीशन काफी अच्छी है। ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करी आवाज हम, ये तो बेमतलब। मोस्टली लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं और रेंट कर रहे हैं, हिमालयन कर रहे हैं। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चल रहा है कि मैं कितनी स्पीड में चल रहा हूँ और हिमालयन कितनी स्पीड में चल रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सच स्पीड में चला भी नहीं सकते। नीचे बहुत सुंदर सी छोटी सी नदी है, नदी प्लस झरना दोनों का फील दे रही है। कितनी अच्छी सड़क बना दी यार, पता नहीं कब तक ये सड़क हमारा साथ देगी और कब यूँ धुआं हो जाएगी धुआं। और सामने देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना आँखों को सुकून मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और मुझे लगता है शायद ये क्लाउड्स की वजह से हैं। और ऊपर इतने अच्छे कॉटन क्लाउड्स हो रहे हैं, इतने बढ़िया 3D जैसे फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त नज़र आते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, अच्छे रोड होने की वजह से ये पहाड़, ये सड़क, ये क्लाउड्स, इसकी ब्यूटी और भी ब्यूटीफुल लग रही है। पूरी रोड नज़र आ रही है, पूरी रोड पूरा दूर तक, कम से कम भी 5 या 6 किलोमीटर तक होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। जिसको लेह लद्दाख घूमना है उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सीधे फ्लाइट से आओ, यहाँ पे बाइक रेंट करो और घूमो। बहुत बहुत है यहाँ घूमने के लिए, बहुत कुछ है और मज़ा भी आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको राइड करने को कम मिलेगा, बहुत जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, सारा एक्सप्लोर करो। मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी नहीं दिख रही है और सामने मेरे बाइकर्स ही बाइकर्स सब ओवरटेक करके चले गए हैं। और पीछे देखो, हेडलाइट्स ही हेडलाइट्स हैं। और मेरे राइट साइड में बहुत अच्छा पहाड़ का व्यू है, बहुत सुंदर, एकदम मेटल का जैसे माउंटेन और उसके ऊपर बर्फ, जस्ट लाइक एन आइसक्रीम, बहुत बढ़िया वाली। और क्लाउड्स तो फिर उस पर 4 चांद लगा ही रहे हैं। ये ज़रूर कहीं पिक्स लेने के लिए रुक गए होंगे, कहीं भी दूर तक नज़र नहीं आ रहे, पक्का पिक्चर्स लेने के लिए रुके होंगे। कोई नहीं, हम भी यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास तो करना ही है। आइसक्रीम सामने, इधर भी और वहाँ भी। अब शायद आ रहे हैं वहाँ दूर कहीं, हो भी सकता है शायद ना भी हो। ये तो बिल्कुल एकदम फ्रेम कराने वाली पिक्चर्स हैं पूरी। कहाँ रह गए थे? अरे वो लेबर थी ना बीच में। हाँ अच्छा 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 अच्छा, उनको बिस्किट वगैरह। अच्छा अच्छा, रुकना तो नहीं है? नहीं, है ना, चलते ही हैं। कुछ खाने वाने के लिए रुकेंगे हैं? कुछ खाने के लिए फोटो क्लिक करो, फोटो करवानी है कर लो। हाँ कर लो कर लो, इसको बहुत चीज़ दिखेंगी, ये बताओ। हाँ नहीं, कर लो यार, कौन सा रोज रोज आना है, पर फटाफट करना। नहीं नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। आ गए अपने बंदे भी आ गए, लेकिन उन्हें भी ये जगह बहुत पसंद आई है, कह रहे हम भी फोटो खींचेंगे। है फोटो खींचने लायक जगह तो है। आ, मेरी जान नहीं लूंगा प्लॉट में, ये लो ये लेयर का मन तो जल्दी से खींची। एक रील बनाओ, नीचे पलटी मारते हुए हेलमेट की तरह। तो कहाँ गया था वो? भाई हो गई, आओगे तो गई। चलो फिर गाड़ी चलाइए वैसे ऐसे हाईवे पे। एकदम लाइट कलर का पहाड़ आ गया, एकदम लाइट। और मैं समझ सकता हूँ गाड़ी में से हनी भाई निकल गए और वीडियो बनानी शुरू कर दी बस। और ये कैमरा सिर्फ 20% है, 100% देखना है तो रियल आइज से देखना होगा। इन लोगों की थकान ना बिल्कुल बिल्कुल मिट चुकी होगी, बिल्कुल फ्रेश हो गए होंगे। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी, अजब सी यारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी।
छोड़े दिल जो भी ये ठाने है. All I love is सतरंगी रंगों जैसी आजादिया. All I want is थोड़ी सी जमी थोड़ा सा आसमान. से निकला ना फिर उनको भी निकलने के लिए बस सनरूफ से मैं भी निकलूंगा गुरु. अभी तक कितनी फोटोज खींच ली अपने फोन के अंदर तुमने, बता दो जरा कितनी वीडियोस बना ली. इसको शांतनु को बोलो मेरे को यार आगे जाने दे, बहुत धूल उड़ रही है. शांतनु ऋषि भाई को आगे जाने दे, बहुत धूल उड़ रही है वो कह रहे. गाने वाने सुन रहे हो तुम? बढ़िया. हाले दिल आ रही है. हाँ हाँ आ रही है. पहाड़ कितना सुंदर है यार ये भाई, बहुत सुंदर. हाँ अभी वो सीधी वाली रोड आएगी, वहाँ पे बहुत सुंदर पहाड़ आएगा. अभी एक हुंदर जगह आएगी, हुंदर 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 हुंदर. हाँ वो है, थोड़ी ग्रीन है. अच्छा, और अच्छा. थोड़ी सी छोटी सी नदी भी है, बिल्कुल हमारे सड़क के साथ में आ जाएगी वो जगह. वो अच्छी लगती है बहुत, वहाँ रुकेंगे. खाने के लिए जहाँ पे तुम्हें मन करे बता देना, वहाँ रुक जाएंगे. तो रोकेंगे भी ना. अच्छा तो मतलब हो गया, रेडी हो खाने के लिए? खा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है. चलो कोई ठीक सी जगह आती है तो फिर मैं रोकता हूँ. 7:30 बजे का दिखा रहे एस्टिमेट. 3 घंटे तो थोड़े ज्यादा ही है. तुरतुक का फिर से व्यू बदल गया यार, और कितना औसम हो गया. अब तो नीचे राइट साइड में नदी है, हालांकि पानी नहीं है इतना, बट बहुत अच्छी लग रही है. डिजाइन बने हुए इतने अच्छे अच्छे. रोड कंडीशन अभी तक की ओके, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. टेम्परेचर हो गया है बहुत ज़्यादा, 23.5, जो कि मेरी इस जैकेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है. क्या बोलूँ, नो वर्ड्स. किस के लिए? इस व्यू के लिए. अच्छा कितना बोलूँ, मस्त है, औसम है, धांसू है, ब्यूटीफुल है, कितना बोलूँ, इसलिए कह रहा हूँ नो वर्ड्स. अलग ही लेवल के पहाड़ पे आ रखे हो. हाँ चार रेड खा गया, तुम्हारी भी खा गया, मेरी भी खा गया, मुझे भूख लग रही है. सीधा वाला रोड कब आएगा? वो नुब्रा आने से थोड़े थोड़ा सा पहले. नुब्रा आएगा पहले? अभी नुब्रा आएगा. दिखी नहीं नदी तुम्हें? नदी तो है, नदी है और क्या. और मैं कह रहा हूँ सिनेमैटिक अच्छी बनेगी भाई, ये बहुत बढ़िया बनेगी. ये हो गया नेताजी ऐसा? क्या बात हो गई है, तुम करना क्या चाह रहे हो? और ये तुम्हारे मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? तेरी मेरे, जैसे कि आपको पता होगा कि रूट इतना लंबा है. जैसा कि आपको पता होगा, देखो कितने प्यारे प्यारे से. एक सेकंड में इनको जरा बिस्किट और सारे हमने जो बिस्किट लिए थे ना लेबर को दे दिए. ये कितना छोटा सा है ये वाला. हाँ जी अभी आपको खिलाएंगे, डोंट वरी हम आए हैं. और ले लेते ना अंदर से भैया से भी, इधर ही बैठे ना. अब जो सब पे मिलेगा सब पे एक सही मिलेगा, कोई अंतर तो होगा नहीं है ना नेताजी. ठीक है आप कुल्ला वुल्ला कर आओ. तो वो तो नॉर्मल ले लो, उसके लिए टेट्रा पैक की जरूरत क्या है? आदमी के लिए कुत्ते के लिए नहीं है. अरे भाई बात तो ये है, वो वैसा होगा ना, इनकी पास शेक वेक वाला सिस्टम होगा ना, कॉफी वॉफी वाला. बिस्किट वगैरह है? बिस्किट दे दो, चार पांच पैकेट. हाँ कौन सा बिस्किट है? तुम्हारे मतलब की चीजें भी लग रही है मुझे तो. यहाँ भाई नेताजी को एकदम गुलदस्ते में से निकलते हुए एंट्री. शांतनु भाई लेकर आए थे सुबह यहाँ से ब्रेड जैम पैक करा के, अब ये खा नहीं रहे हैं तो मैं खा रहा हूँ. इन्होंने अपना अलग ऑर्डर किया है, वेज थुप्पा. कभी खाया नहीं ना? खाया है, पता नहीं, फर्स्ट. शायद आने के बाद याद आ जाए. वैसे मुश्किल खाया होगा क्योंकि क्योंकि इंडिया में मिलता है वो सूपी नूडल वाला, बढ़िया होता है, मेरे को तो अच्छा लगता है.
इंडिया में ही मिलता है, कह रहा हूँ। तुम बाहर घूमते हो ना? नेपाल में भी तो मिलता है। तुम बाहर घूमते हो ना? हाँ, नेपाल में, नेपाल में सारी वीडियोस तो इनकी बाहर की है यार। मोबाइल में खोलना ढक्कन, ढक्कन खोलना, देख लो आज तुम। बताता मैं आपको आगे बड़ बड़ के छक्के में जाम। वैसे नॉर्मली रेड कलर के होते हैं, ये कौन से कलर का है? ऑरेंज मैंगो फ्लेवर है ना? मैंगो फ्लेवर है, ये येलोइश है। आजकल तो ब्लूबेरी सब आते हैं, सारे फ्लेवर आते हैं। लेकिन है यार बहुत टेस्टी। की एमआरपी पता कितनी है अमेज़न पे? 130 है ये अमेज़न पे। इस बैड जैम को मैं 10 में से 12 दूंगा, मेरे को इतना अच्छा लगा। ये मैंगो फ्लेवर है और कंपनी देख लो, कभी किसी का मन करे ना इसे मंगा के खा के देखना। और ये अमेज़न पे है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। उसके लिए पे लगेगा, पे लगेगा। दो बातें इस व्लॉग में, उसके उसके लिए पे लगता है। तो ये मैंगो जैम है और भाई हमारा दूसरा मैंगो। भाई ने टी शर्ट मैंगो वाली पहन रखी है और भाई की पर्सनैलिटी मतलब आगे बढ़ के 3 चक्के। दो मिनट ब्रदर, ये चश्मा तुम्हारा तो नहीं है ना? बड़ी है वाला नहीं है भाई, ये लेकर तो वाले वो नहीं है ये। हाँ ब्रदर, आपका क्या पूछना चाह रहे हो? आलू का पराठा वराठा क्या क्या होता है आपके पास? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या, देखो ये भी अपना रेस्टोरेंट है हमारा पूरा। अच्छी तो अब आपका आ रही है, आते ही बात एक्चुअली पता नहीं है तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि इन्होंने वो ही रखी है बस। ऐसे आ रही मुझे भी नहीं पिकती हूँ उसकी। नहीं जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे तो नीचे लटकी पड़ी है। इसके तो न्यू ऐप हुई मेरी भी जाती, देखो दिखाओ हो जाती है ना फिर नीचे आ गई। मैं करता नहीं हूँ, वैक्स तो मेरी तो हो जाएगी, अच्छी लगेगी। वैक्स? अच्छा वैक्स हो तो वैक्स भी चाहिए भाई। क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ पर? नहीं सही है, थोड़ा यहाँ पे बाल नहीं है ना। हाँ, तो अच्छी लग रही है, तो थोड़ा बढ़ा के रखी हुई है ना, तो उससे एक्चुअली मैं इनको और बुरा लगने, और बुरा लगने से अच्छा है थोड़ा बुरा। अच्छा जी, भाई भाई के पास भी। अरे नहीं मजाक कर रहे हैं। और बाल के साथ देखो, एक रिकॉर्ड तो करो। ऋषि भाई की झुमका ले रहे हैं, देखो एक बार, एक बार, एक बार, लटे देखो, लटे एक बार। ये हमारे मोदी जी हैं। नहीं 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 भाई, देखो मोदी जी हैं हमारे, हमारे भाई। आई एम वरुण, ठीक है। करते हैं आप, बताइए थोड़ा लोगों को, बताइए। मैं सोशल एक्टिविटीज में थोड़ा ज्यादा हूँ। सोशल वर्कर कहते हो सीधा? नहीं सोशल एक्टिविटीज, तो सोशल वर्कर भी वही बात होगी ना भाई, एक ही बात आती है। ये हमारे ब्रदर को इंग्लिश आती थी भाई, इसमें तुम्हारे बहुत व्यू आएंगे, इस पे आएंगे पक्का। अगर आप दादोगे तो आएंगे जरूर। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने सोशल बोला ना सोशल एक्टिविटीज के लिए, तो ये कहते हैं सोशल वर्कर। अच्छा, तो सोशल स्टडीज नहीं बोला? अच्छी बात है, सुनते लो, अच्छी बात है, मैंने सोशल एक्टिविटीज बोला है तो इनको वर्कर समझ आ गया। मैं एसएससी समझ रहा हूं भाई, नहीं तो इनकी समझ से पार हो जाएगी। सर में दर्द हो गया मेरे एसएससी के। इनकी भी दिखाओ भाई, इनको भी दिखाओ एक बार, सर में दर्द हो गया एसएससी के। अच्छा अबे भाई, तो हंसो और जियो और लाइफ के मजे लो यार। किस लिए आए हो आप? रोने आए हो यहाँ पर? आलू के पराठे खाने आए हो क्या? ना मजे लेने आए हो, मजे लो, हंसो और क्या करोगे? क्या होता सर आपके? लोगों को रोजगार दे सकूं, मेरा जो अपना, मेरा जो अपना खुद का है ना अंदर से, कोई बेचारा मतलब परेशान ना रहे, जितना मेरे से एफर्ट होंगे मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं लोगों के। कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहता हूँ कि आपको जो पता नहीं हो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा ये तो ये थुप्पा आ गया, थुप्पा। वैसे दो मंगाए थे, एक बोला था मैंने, वन बाई टू। खूब ज़्यादा है। ओके ओके ओके। अच्छा ऐसा भी है? मैं तो ये थुप्पा ही खाई। ये हमारे संतरू भाई है, ये थुप्पा ही खाएंगे यार, थुप्पा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नेताजी हमारे मोदी जी है, इस बात को कोई गलत तरीके से ना ले जाए,
मोदी जी जैसे देश की सेवा करते हैं, ऐसे ही नेताजी हमारी सेवा करते हैं। क्यों? क्या, क्या हमारे मोदी जी हैं। लोग कुछ और समझेंगे, कौन सी सेवा? अच्छा, देश की सेवा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको समझ है ही नहीं, बस बड़े हो गए पिकाचू की तरह। कल बेचारे की लड़की ले मार्केट में आई, तब हमने भाई का वजन तुलवाया आलू के पराठों ने और अमूल बड़े मक्खन ने, इतना बुरा हाल कर रखा है। बाकी तो कुछ कमी ही नहीं है, रोटी टेढ़ा मेढ़ा है। चार अंडे का नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मैम ने चार अंडे का है, चार अंडे कैसे? अंडा छोटा होता है, यहाँ का अंडा आप चेक कीजिए, हम अंडा बड़ा डालते हैं। नहीं, सब कुछ छोटा ही होता है, जैसे वो भी देखा ना हमने, डोंकी वगैरह भी देखा, छोटा ही था अंडा, इतना छोटा था, जो बड़ा ना जैसे की हमारे अंडी भाई ने छोटा सा फ्रेश। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। चलो हट जाओ, आप डर जाओगे, फिर बाइक स्टार्ट करूंगा मैं। एक घंटा लग गया हमें, ऑलमोस्ट ऊपर ही हो गया होगा, शायद एक घंटे से ऊपर ही हो गया होगा। लेकिन खाना बहुत अच्छा था, यहाँ का टेस्टी था, नीमा रेस्टोरेंट खलसर नुब्रा। बस एक ही कमी है, थोड़ा ओवर प्राइस था, बट ठीक है, अच्छा मिल जाए, ओवर प्राइस तो चल जाता है थोड़ा बहुत। और कुछ चीज़ों के तो रेट भी नहीं लिखे हुए थे, ताकि अपनी मर्जी से कुछ और कोट करते। तो अगर खाना हो और रेट ना हो तो पूछ लेना चाहिए एक बार, हमने थोड़ी गलती करी, पूछा नहीं। जिन चीज़ों का रेट हमने नहीं पूछा, ऐसा लगा कि शायद उसी का रेट बढ़ा के बता दिया हमें। डिस्टेंस हमारा यहाँ से अभी है 130 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा हरा भरा लग रहा है, आगे भी लग रहा है। और यहाँ पे पहाड़ कैसा है, इधर कैसा है, और आसमान कितना बढ़िया है। पर मैं ये दिखाने नहीं आया था, मेरा ग्लव्स गिर गया, मैं उसे उठाने आया था। मैंने सोचा बाइक मोड़ूंगा, फिर आऊँगा, फिर मोड़ूंगा, फिर जाऊँगा, थोड़ा सा ही है, ले आता हूँ, पैदल ही उतर के ले आता हूँ। हो सांस चढ़ती है हेलमेट के अंदर, या तो वैसे ही सांस चढ़ती है। बाइक मस्त लग रही है यार, पर पैनियर्स लोडेड पूरी इतनी अच्छी लगती है, इतनी मस्त। छोटी सी नदी भरी है नीचे। मैं जब लास्ट टाइम आया था नुब्रा 2016 में, मैं मतलब नुब्रा लाइफ में सेकंड टाइम आ रहा हूँ, 16 में आया था, तब ऐसा कुछ पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेती रेती, सूखा था बिल्कुल। आज तो अच्छा खासा पानी है, आई थिंक जुलाई में यहाँ पे पानी रहता होगा, जून और जुलाई में, अगस्त में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मैं अगस्त में ही आया था। कैन यू सी रेस पूरी नीचे आते हुए, बीच में छोटा सा क्लाउड है जहाँ से ट्रांसपेरेंट है, मतलब होल है छोटा सा, और वहाँ से रेज नीचे आ रही है उस पहाड़ पे सामने। पता नहीं गोप्रो कितना कैप्चर करेगा। नुब्रा मैंने पीछे छोड़ दिया है, अब आगे बढ़ रहा हूँ तुरतुक की तरफ। नुब्रा से तुरतुक वाला जो रूट है वो मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने नहीं किया कभी भी। रोड कंडीशन थोड़ी टूटी फूटी है, पर बुरी नहीं है, वर्स्ट नहीं है, मतलब ओके ओके है। आगे पता नहीं, हो सकता है कि शायद आ जाए कुछ तबाही वाला रोड, बट अभी तक तो ठीक है, चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि रास्ता अभी शायद कुछ टाइम पहले ही इसकी वाइड नहीं की है, क्योंकि सारे पत्थर जो तोड़े हैं वो सारे यहीं पड़े हुए हैं, और मे बी इस रोड को आगे आने वाले टाइम में थोड़ा वाइड कर देंगे, क्योंकि वाइडनिंग ही लग रहा है मुझे कि वाइडनिंग की हुई है। आया आया तबाही वाला रोड आया। अरे तुम कहाँ घूम रहे हो? ऐसी रोड से मोस्टली कॉर्नर पे थोड़ी अच्छी सड़क होती है, थोड़ी प्लेन होती है, क्योंकि बीच में सारा मशीन से किया हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे जो है वो अभी भी नहीं हुआ है ठीक से। ये तो पूरा पैच मुझे लग रहा है ऐसे ही मिलेगा। मैं अभी तक ऐसे पहाड़ देख रहे थे हम, अभी अचानक से कुछ अलग सा आ गया, कैसे इसमें बीच में लाइनिंग लाइनिंग है बहुत सारी, और कलर भी एकदम डिफरेंट है। डिस्किट काफी अच्छी और काफी बड़ी जगह है। नुब्रा से आगे जाने के बाद तो बढ़िया रोड आ गया है, अब मुझे लगता नहीं शायद आगे कुछ दिक्कत आएगी, बट कुछ बोल भी नहीं सकते। देर आर चांसेस कि थोड़ा बहुत पैच अभी तैयार हुआ हो और बाकी अभी वैसे ही हो, बट फिलहाल तो थोड़ा डिस्टेंस अभी अच्छे से जल्दी कवर हो जाएगा।
और यहाँ पे ग्रीनरी भी थोड़ी सी बढ़ गई है और ज़्यादा हो गई है, मतलब अब तो सड़क तक भी आ रही है। अभी तक का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, बट टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 23.5 चल रहा है अभी, तो नॉर्मल टी शर्ट वगैरह में आई थिंक हो जाएगा। रात को हो सकता है कि बाहर निकलने पर थोड़ा जैकेट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अभी तक हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जब सोते हैं तो कभी कभी ठंडा लगता है, और सो जाते हैं तो रात में नींद खुल जाती है, गर्मी लग रही होती है, तो ये सब यहाँ पे चलता रहता है। मैं अपने लिए पेट्रोल रखने वाला जेरिकिन या कुछ कंटेनर इस तरह का कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारी बहुत ऑफ रोडिंग वाली, बहुत टिपिकल टाइप की और बहुत रिमोट एरियाज़ की जर्नी शुरू होने वाली है कल सुबह से। ट्राई करूँगा अच्छी जगह, बड़ी जगह, बिस्किट भी और हुंदर भी यहाँ पे मिल जानी चाहिए मुझे, और पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, एक अच्छी बात ये है। और अभी सुनने में आया कि इस साल न्यूमा में भी पेट्रोल पंप खुल गया एक और, तो काफ़ी लोगों को उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जो इतना 1000 किलोमीटर के आसपास का एरिया था या 850 के आसपास का होगा, 900 तक का होगा, वो विदाउट पेट्रोल ही कवर करना पड़ता था, पेट्रोल कैरी करके, और वो भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। अब वो प्रॉब्लम शायद ख़त्म हो जाएगी। ग्रीनरी देखो कितनी बढ़िया, थोड़ी से रह गया यहाँ से 11 किलोमीटर अभी है हमारी जर्नी, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की। टाइम हो गया है 7:21 और यहाँ पे सनसेट काफ़ी लेट होता है, एज़ यू कैन सी अभी भी कितना उजाला है 7:21 पे भी। अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली, किसी ने GPS वगैरह लगाया हुआ है क्या? ठीक है ठीक है, ओके। और हमारे साथ ही बढ़िया गाड़ी भी चलाते हुए, ये लोग अच्छा कोपअप करते हैं साथ में, बढ़िया वाला। अब बाइक के साथ में तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, स्पेशली टाइगर के साथ में, क्योंकि ओवरटेक वगैरह नहीं मिलते हैं जल्दी से, पतली रोड आ जाती हैं और ट्रैफिक वगैरह होता है, तो मैं निकल के चला जाता हूँ साइड से, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाड़ी का डिसएडवांटेज होता है, अदरवाइज़ तो बढ़िया अच्छा कोपअप किया हुआ है इन्होंने। मतलब जैसे देखो नीचे उतार के अभी साइड दे दी अच्छी वाली, और ग्रीनरी देखो बढ़ गई और ज़्यादा, ओवरटेक भी अच्छा ले रहे हैं, गाड़ी टू गाड़ी बढ़िया चला रहे हैं, मतलब गाड़ियों को तो पीछे छोड़ रहे हैं, मैक्सिमम गाड़ियों को पीछे छोड़ रहे हैं। कुछ इस तरह के फ्लैट सरफेस पे हम लोग चल रहे हैं और रोड भी बिल्कुल सीधी है। लद्दाख में जो फ्लैट सरफेस है ना, वो एकदम मौसम है यार, बहुत अच्छे लगते हैं लद्दाख के अंदर, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ, यहाँ की ज्योग्राफी इस तरह की है कि ये सीधी रोड्स बहुत अच्छी लगती हैं इधर। अभी जैसे कि नेक्सॉन से मैं ऊपर से उस तरफ देख सकता हूँ, ओए हो 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 हो, गीला नहीं होना मुझे, मेरे अपने शूज को गीला नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना। क्या बढ़िया लग रहा है यार, बहुत अच्छी रोड बना रखी है यहाँ पे। लद्दाख में अगर मैं आता हूँ तो मुझे हर जगह ब्यूटी मिलती है, हर जगह, अगर मैं सामने देखूँ, अगर मैं पीछे देखूँ, लेफ्ट देखूँ, राइट देखूँ, इवन अपने रियर व्यू मिरर में देखूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी, ऑसम ब्यूटी। रोड देख लो यार, और कुछ नहीं तो रोड भी ब्यूटी है यहाँ पर। ऐसा सेम रास्ता आता है पेंगोंग जाते वक्त, बस साइड में चट्टाने होती हैं। इस बार मुझे दुख है कि हम पेंगोंग टू ले ही नहीं करने वाले, एक बार 360 डिग्री का व्यू देखो। इस वक्त मौसम देखो कितना सुहाना हो गया, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, हवा भी थोड़ी ठंडी सुहानी सी है, प्लेजेंट है काफ़ी, और हमारा काफिला इतनी अच्छी रोड से निकल रहा है, बढ़िया लग रहा है, एक बाइक एक गाड़ी, मस्त मज़ा आ रहा है, पूरी सांप की तरह। चालुंग का 47 शुरू, कहाँ है तुरतुक का कोई माइलस्टोन ही नहीं आ रहा, वैसे पीछे गाड़ी में जो है GPS लगा रखा है, मुझे इसलिए इस ट्रिप पे GPS की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गाड़ी में चार्ज भी होता रहता है, लगा भी रहता है, मुझे खामखा मेरी बाइक का जो चार्जर है वो वर्क नहीं कर रहा, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गैजेट्स वगैरह सारी चीज़ें ऑन द गो चार्ज करने में। अब मेरे को उसी हिसाब से यूज़ करना पड़ रहा है कि मैं उतना ही यूज़ करूँ जितना इम्पोर्टेंट हो, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं बना रहा हूँ मैं इस बार बिल्कुल भी, जो कि मैं नॉर्मली बनाता हूँ काफ़ी एक्स्ट्रा। ओके, अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली, मेडे 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 मेडे, अच्छा अच्छा अच्छा, जगह भी अच्छी है। चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं कह रहा हूं जब आप घर पहुंच जाते हो, हाँ, आरती वारती ऐसे ऐसे करते होंगे, क्यों आरती क्यों,
मुश्किल से 10 मिनट रुके हम लोग और फिर चल दिए दोबारा से तुरतुक की तरफ। रास्ता तो दिखा रहा है ऑलमोस्ट अभी 1.5 आवर्स का, मुझे लगा था इतना नहीं होगा। अभी इन्होंने मोबाइल में चेक किया तो पता चला कि हाँ अभी 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन अगर ऐसी रोड रही तो थोड़ा जल्दी भी पहुँचने के चांसेस हैं। काफ़ी पतली सड़क है, उस ट्रक को पूरा नीचे उतरना पड़ा है। अभी मुझे साइड पता नहीं कब देगा। क्योंकि सड़क ही इतनी नहीं है कि साइड दे सकें। दे दी दे दी दे दी। मेरा फेवरेट टाइम भी अब शुरू होने वाला है। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा चाहिए होता है वाला टाइम बाइक चलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है हेडलाइट की रोशनी में चलना। तुरतुक का मैंने अभी तक कोई माइलस्टोन नहीं देखा। चालुंका करके कोई जगह है, वहाँ का माइलस्टोन मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। मैंने लेह में पेट्रोल डलाया था और तब मेरी बाइक का किलोमीटर रेंज था 380 और अभी भी 380 है, पता नहीं कैसे। वैसे लेह में मेरी बाइक की एवरेज काफ़ी अच्छी निकलती है, काफ़ी बढ़िया निकलती है। ये 380 शायद इसलिए है क्योंकि पेट्रोल जब डालते हैं तो ओवर में थोड़ा सा डालते हैं पेट्रोल पंप वाले, जिसकी वजह से जो शुरू का पेट्रोल होता है वो मीटर में नहीं आता है, एक्स्ट्रा वाला जो रहता है। फिर से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई। अभी तक तो बहुत अच्छी रोड मिली थी, बहुत अच्छी आ गई रोड, आ गई छोटा सा ही पैच। अभी मैं बिल्कुल खड़ी चट्टानों के बगल से निकल रहा हूँ। कितनी मुश्किलों से ये रोड बनाई होगी, कितनी मुश्किलों से इन्हें काटा गया होगा। बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी चट्टान है और ये सारा काम जो किया है वो किया है BRO ने। हैट्स ऑफ टू BRO, हैट्स ऑफ। फर्स्ट टाइम मैंने देखा पीछे लिखा हुआ था तुरतुक एंड देर वॉज नथिंग एल्स मैंशन, कोई किलोमीटर्स नहीं, कुछ नहीं। तीन जगह के नाम लिखे थे और तीनों में से किसी का भी किलोमीटर या कुछ भी मेंशन नहीं था। काफ़ी अच्छा बड़ा एक पुल आया है यहाँ पे। आई डोंट नो, कल मैं सुबह आऊँगा तो अच्छे से देखेगा, लेकिन अभी मुझे रात में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का पुल बनाया हुआ है, पतला, एक ही वन कार एट ए टाइम और वन व्हीकल एट ए टाइम ही यहाँ से जा सकता है। लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, थड़ 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 थड़। इट वॉज नाइस। यहाँ सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे हमने बाइक के नंबर नोट कराए, परमिट वगैरह कुछ चेक नहीं किया, लेकिन देखो यार कितनी बढ़िया जगह बनी हुई है, बहुत अच्छी लोकेशन है, मज़ा आता होगा यहाँ पे। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, थोड़ा पीसफुल है, सबसे अलग। सबसे अच्छी बात यह है कि लद्दाख काफ़ी सेफ़ है। जो बैठे हुए थे यहाँ पे काफ़ी मज़ा किया भी थे, हम इतनी देर से बिल्कुल शांत चल रहे थे यहाँ पे, कोई बात नहीं कुछ नहीं, और इन्होंने एकदम हंसा के थोड़ा मूड से फ्रेश कर दिया। 1 घंटा लगेगा यहाँ से, अभी भी 30 किलोमीटर्स है ऐसा वो बोल रहे हैं। अब आई डोंट नो, हम थोड़ा जल्दी कर पाते हैं तो विल ट्राई। मेरी लाइट बहुत तेज़ लगती है इसलिए हनी मुझे आगे निकाल देता है। एक और सेफ वैसा पुल, उसके नीचे आई एम श्योर बहुत बड़ी नदी होगी कोई। यहाँ पे रोड ऐसे हैं कि ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है। देखो यहाँ दिख नहीं रहा क्या है, अब देखो यहाँ पे कितना सीधा, सीधे ऊपर, अब इसके आगे नहीं पता किधर जाना है। ये रहा, फाइनली माइलस्टोन आया, तुरतुक 12 किलोमीटर्स, 15 मिनट समय लगेंगे। बहुत बढ़िया रोड है। 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मैं 19 साल पाकिस्तान में रहा। ये चार गांव जो था 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था, 71 में लड़ाई हुई है पहले बांग्लादेश से। यहाँ पर एक पाकिस्तान आर्मी का बंकर भी है। और यहाँ से शायद गनमैन खड़े होते हैं।